लगाती थी, फिर जब पिछली बार टेस्ट दिया तो उसमें फेल हुई, तो फिर मोटिवेशन मिला और इन 7 दिनों में इतनी अच्छी मेहनत की और अब की बार 33 मिनट में हो गई। जब मेरे ना दर्द हुआ था ना, तो मैं है ना, अगर किसी के भी दर्द है तो इसके लिए कुछ बताना चाहती हूँ। नारियल का तेल और एक जो कपूर आता है ना, जो मतलब भगवान की जो तो वो वाला कपूर, और उसमें ना गेहूँ के दाना, एक दाना होता है ना, एक तो कपड़े में रखने वाला आता है, और हाँ वो नहीं लेना। चूना आता है ना, वो एक गेहूँ के दाने जितना, वो फिर तीनों को मिलाकर गरम करके, और फिर जब भी यहाँ से जाओ या क्या नहीं गरम करके फिर यहाँ से जाओ तब, या शाम को एक बार मालिश कर लो पैरों के, चाहे दर्द हो चाहे नहीं हो। मेरे को तो उससे बहुत फायदा मिला, अगर किसी को फायदा मिले तो अच्छी बात है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी जांगिड़ है। मैंने 2 जगह से फॉर्म लगाया है, जयपुर कमिश्नरेट और जोधपुर कमिश्नरेट, दोनों जगह से जनरल क्वालिफाई किया है। ये मेरा दूसरा टेस्ट था, पहले टेस्ट में मैंने 34 मिनट कुछ सेकंड में क्वालिफाई किया था और इस बार मेरे 33 मिनट कुछ सेकंड आए हैं। इसके लिए मैं रणवीर सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले भी मेरा मतलब फिजिकल हो गया था, यहाँ से तैयारी की थी पर फाइनल मेरिट में रह गई थी, और SI में भी मतलब फिजिकल हो गया था, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, अगर तू उलझ गई है जिंदगी जलेबी की तरह, तो क्यों ना तेरा चाशनी में डूब कर मजा लिया जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका मेला है और मैं 2 जगह से क्वालिफाई हूँ, जयपुर से और जालौर से, और मेरा ये 3रा टेस्ट था जिसमें मैंने 30 मिनट से पहले रनिंग कंप्लीट की है, और मुझे मतलब इस ग्राउंड में आने पे से इतना अच्छा लगता है कि मतलब एक दिन भी ना हो तो अजीब सा लगता है कि आज यार कुछ नहीं किया दिन में, और मतलब जो मेरे भैया लेकर आते हैं ना मुझे रोज, तो वो गांव चले गए, फिर मैंने आज दूसरे भैया को उठाया, 10 मिनट तक की बात की उससे, फिर उठा वो पानी पिलाया उसको, तब लेकर यहाँ पे आया मुझे कि मुझे बस टेस्ट देना है, ग्राउंड में जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्राउंड में आके। और मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबू में आसाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। तो मेरा नाम चंदूलाल गट्टाराय और मैं TSP क्षेत्र डूंगरपुर से आता हूँ। जब मैं पहली बार आया था तो मैंने टोटल 3 जगह से पेपर क्लियर करा था और नंबर भी काफ़ी मेरे कट ऑफ से अच्छा आ रहा था, पर मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब एक राउंड भी मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा था। जैसे तैसे मैंने 2 राउंड करे, 3 राउंड करे, 4 राउंड करे, 4 राउंड करने के बाद मैं हार मार ली, मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था। फिर मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी तो मैं हॉस्टल में रह रहा था, हॉस्टल वाले भैया ने कहा कि आपको पैसे जमा करवाने, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने घर जाने का फैसला कर लिया था। तो उसी समय मेरा रूम पार्टनर था दोस्त, मेरे को साथ में लेके गया और सर के पास मिलवाया, और सर ने मेरे को तुरंत पैसे निकाल के दे दिए, 1500 रुपये अगले बेटा ले जाके हॉस्टल में जमा करवा देना। और उसी समय मैंने वापस हॉस्टल में रह लिया और वापस मैंने धीरे धीरे बुखार आ गया, 2-3 दिन रेस्ट करा, रेस्ट करने के बाद मेरे से 12 राउंड नहीं लग रहे थे, शुक्रवार को मैंने धीरे धीरे करके 18 राउंड कंप्लीट कर लिए, और आज मैंने 27 मिनट में रनिंग कंप्लीट कर ली और मेरे 30 मिनट मिल रहे मैं TSP क्षेत्र से के लिए। और सबको यही कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम ममता नारवाल है। ये मेरा सेकंड टेस्ट था, फर्स्ट टेस्ट में 34 मिनट और कुछ सेकंड आई थी, आज मैंने 32 मिनट में पूरी रनिंग कंप्लीट कर ली। मैंने पूरे हफ्ते सर का कहना माना है, जितने राउंड बोले हैं उतने राउंड और एक्सरसाइज की है, और इससे बढ़ के कुछ नहीं किया। बस ग्राउंड में आने पे ऐसे लगता है 2 राउंड करने के बाद रुक जाऊं, पर सोचती हूँ ये 2 किए हैं तो 3रा भी कर लेती हूँ, फिर 3रा किया तो 4था भी कर लेती हूँ, ऐसे कंप्लीट करती हूँ मैं पूरे राउंड। और आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने 32 मिनट में मेरी रनिंग कंप्लीट की है। मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और विजेंद्र सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ से तो गुरु ये भी सबसे बड़े गुरु ये हैं, जो हर एक्सरसाइज ट्रेनिंग के टाइम पे सारा सब कुछ बताना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं इनका वीडियो देख के फॉलो करती हूँ, विजेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और थैंक यू सर। उन्होंने मुझे आपको ट्रेनिंग देने का मौका मिला,
घटिया। और दूसरा ये कि मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे भी एक तरीके से मतलब ट्रेनिंग देने के लिए चुना। दूसरी बात ये है कि जैसे मैं, मेरा ये है कि जैसे कोई बच्चा अगर सही नहीं कर रहा है तो मेरे से चाहे वो जड़े ना कुछ भी हो, मेरा डांट पीट के कैसे भी करके उसको पूरा सही करवाना होता है। हर एक बच्चे पे मैं पर्सनली ध्यान रखता हूँ कि ये सही नहीं कर रहा, तो मैं उसको 3 बार बताता हूँ, 4 बार बताता हूँ, मैं कभी नहीं थकता इस बात को। आप चाहे खुद एक बार ट्राई कर लेना, 10 बार पूछो तो पूछोगे तो भी वैसे ही बताऊंगा आपको जैसे पहली बार बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं सिर्फ आपके लिए करता हूँ कि आप नौकरी लग जाओगे तो हमारा काम हो जाए बस। आपके लिए मैं दुआ करूंगा कि आप सभी को आपके सपनों की उड़ान मिल जाए, फटाफट आप सबसे जाए। पिछले बार एक बच्चे ने जब वो तैयारी कर रहा था रिटर्न एग्जाम की, तो हमारे एक गुरुजी हैं, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कराने में पूरी मेहनत। मैं यहाँ पे एक बात कहने आया हूँ। रणवीर सर बोलते हैं कि रिम में कोई जादू नहीं है, लेकिन रियल बात यह है कि रिम में 110% जादू है। यहाँ पे आते ही जो बंदा आ रहा है ना, आज ही आया है, वो टाइम लगाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा जादू तो यह है, इतना भयंकर मोटिवेशन है, इतना भयंकर मोटिवेशन है यहाँ पे कि जिस दिन मैं फर्स्ट डे आया था ना, तो मेरे को लगा रेस तो हो ही जाएगी। रणवीर सर ने बोल दिया यही है तारनहार, हारे का सहारा यही है। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो भाई फर्स्ट डे बोला कि 15 दिन जिनको नहीं हुआ और टाइम नहीं लगाया, भाई ठीक है हम तो नहीं लगाएंगे टाइम भाई, और 15 दिन टाइम लगाया, हैंड टू हैंड टाइम आ गया। और जो भी लड़के जो सर बोलते हैं यहाँ पे जादू नहीं है, रियल बता रहा हूँ, यहाँ पे रियल में ही जादू है। जहाँ पे रणवीर सर खड़े हो गए वहाँ पे जादू है, जादू है, जादू है। थैंक्स टू विजेंद्र सर और रिंकू सर को मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये बहुत मोटिवेट करते हैं। सुनो बेटा, सुनो। मेरा नाम संजू शेखावत है और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ आने से पहले भी 5 किलोमीटर की कंटिन्यू रनिंग करती थी, लेकिन रनिंग करने के बाद भी मुझे इतना ज्यादा डर लगता था मेरे फिजिकल का कि मेरा फिजिकल क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और उसी डर के कारण मैं दिन रात परेशान रहती थी। फिर मेरे छोटे भाई ने कहा कि एक बार तू मेरे सर से जाके मिल और रिम अकेडमी ज्वाइन कर। तो मैंने यहाँ आने के बाद मात्र चार दिन ही हुए मुझे, मुझमें वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये फिजिकल बहुत आसान है, मेरे मन में ये आ गया। मैंने सर से एक बात सुनी कि बेटा राजस्थान पुलिस का फिजिकल सबसे इजी फिजिकल है, ये ऐसा फिजिकल है जिसमें सिर्फ अपन को दौड़ना है और कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने भी इस बात पे सोचा कि हाँ सिर्फ दौड़ना ही तो है, और डेली दौड़ तो मैं डेली रही हूँ, तो मुझे यहाँ सर से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि सिर्फ दौड़ना काफ़ी नहीं है, अपने पास एक गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो गुरु का मार्गदर्शन अपन को हिम्मत देता है और कॉन्फिडेंस देता है। सर से मिलने के बाद मुझमें हिम्मत आई और मुझमें वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी हो जाए ये फिजिकल पास कर लूँगी आराम से। मतलब जिस प्रकार अपन को एक भगवान पर विश्वास होता है, एक भक्त को कहते हैं ना हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जब शरण में रख दिया माथ तो किस बात की चिंता, तो उसी प्रकार जब मैं सर से मिली तो मुझे ये लगा कि हम इन गुरु की शरण में आ गए जिन्होंने बड़ों बड़ों को नौकरी लगाई है, तो मेरा फिजिकल क्लियर क्यों नहीं होगा। मतलब मुझे इनकी शरण, मतलब इन एक तरह से मुझे गुरु के पास आने के बाद ये विश्वास आ गया कि मैं 100% क्लियर कर लूँगी ये फिजिकल, और मुझे बिल्कुल मेरा डर मतलब जहन से निकल ही गया बिल्कुल। तो एक श्लोक बोलना चाहूँगी मैं, अपन सुनते तो बचपन से हैं श्लोक, लेकिन एक वक्त आने के बाद हमें उनके शब्दों के अर्थ और महत्व पता चलने लगते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मैंने सब कुछ अपना सर को मान लिया है कि ये सर है, इनका सर पे हाथ है मेरे, तो मैं पक्का पास कर लूंगी। मुझे मेरा डर समाप्त हो गया। जिस प्रकार भक्त भगवान पे विश्वास करके हर मुश्किल से लड़ जाता है, वैसे मैं सर की शरण में आके पास कर जाऊंगी, मुझे ये विश्वास आ गया है। तो आज कितनी देर में किया बेटा? आज सर मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने सर को कहा कि सर मुझे दौड़ने दो, मुझे है ना मतलब शामिल होने दो, लेकिन सर ने मुझे मना कर दिया कि 15 दिन यहाँ आए हुए नहीं हुए, और यहाँ आने से पहले तुमने कुछ भी किया मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं दौड़ने दूंगा जब तक तुम्हारे 15 दिन यहाँ नहीं हो जाते। मैं बहुत बेताब हूँ ये टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सर मैं ये पास करके दिखाऊंगी और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छी टाइमिंग ला के दिखाऊंगी आपको।
थके हैं पैर ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर ना अभी हिम्मत हारी है, बस हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है।